स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस को छोड़कर लगातार भाजपा ज्वाइन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को लेकर कांग्रेस संगठन की तरफ से कई बयान सामने आ रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया था कि जो लोग डरे हुए हैं और जिन्होंने कुछ गलत कर रखा है वही भाजपा में जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस से एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग बलात्कारी है वह भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं भाजपा की तरफ से प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहा है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से ज्वाइन कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कोई भी नेता कांग्रेस में रहना नहीं चाहता है। देखिए, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के नेता रहना नहीं चाह रहे हैं। और ये बयान सिर्फ और सिर्फ उनके बौखलाहट उनमें जो मची है उस बौखलाहट के कारण बयान वो दे रहे हैं। और जिस प्रकार से अपने ही नेताओं को, अगर उनके नेता उनकी पार्टी में है तो ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन जब वो उनकी पार्टी को छोड़ देते हैं तब उनको बलात्कारी, गुंडे, मवाली कुछ शब्द कहते हैं। ये उनके संस्कार बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के संस्कार। और वहीं हरक सिंह रावत इन दिनों ईडी की जांच के दायरे में है और उनकी बहू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वैसे में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली की माने तो कानून अपना काम करेगी और किसी के भी बीजेपी में शामिल होने से उनके पाप माफ नहीं होंगे। उनके अनुसार परिवार वाले अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी के आने जाने से इसका क्या क्या संबंध है? सीबीआई है, ईडी है, वो अपना काम करेगी। किसी ने अपराध किया है तो उस अपराध का संज्ञान लेकर उसकी जांच चल रही है, उसका जांच होगी। अगर वो अपराधी होगा तो उसको सजा मिलेगी। अब उसके परिजन अगर बीजेपी में आते हैं तो ये तो राजनीतिक पार्टियों में आना जाना एक अलग चीज़ है। और कोई अगर अपराध हुआ है, किसी भी तरह का हुआ हो, तो उसकी छानबीन करना, उसको प्रोसिक्यूट करना, उसके बाद उसके ऊपर में जो भी कार्रवाइयाँ होना, ये कानून का काम है। कानून अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं, किसी के आने जाने से इसका क्या क्या संबंध है? तो विनोद चमोली ने साफ तौर पर कहा है कि कानून अपना काम करेगा और अगर कोई जो है दोषी है तो इसके लिए जो कानून उन्हें माफ नहीं करेगा उस पर कार्रवाई जो है स्पष्ट रूप से की जाएगी। तो हरक सिंह रावत को लेकर इन दिनों जो है सियासत, उत्तराखंड की सियासत में बात करें तो गहमा गहमी है और चर्चाएं काफी तेज है। अभी बात करें तो उनकी बहू अनुकृति गोसाई ने भी अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और अभी सियासी बयार ये भी कह रही है कि हरक सिंह रावत भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। हरक सिंह रावत पर फिलहाल जो है ईडी का शिकंजा बना हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार, अगर बात करें हरक सिंह रावत की तो इन दिनों जो है ईडी की जांच के दायरे में है, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो है प्रदेश की सियासत में गहमा गहमी देखी जा रही है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कभी कांग्रेस पार्टी में रहते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं। देखा गया है कि हमेशा से उन्हें सत्ता पलट का एक कहा जाता था कि जब वो किस तरफ जाते हैं तो सत्ता पलटती है, लेकिन 2022 में इसका उल्टा हुआ और इसका खामियाजा हरक सिंह रावत को भुगतना पड़ा। विधायकी तो गई, कैबिनेट से सीट तो गई, लेकिन फिर भी जो सीबीआई और ईडी है उसकी जांच तेज हो गई और जो सरकार है ये आरोप लगाए सरकार पे कि अगर वो कांग्रेसी में आए हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उनसे बदला लेना चाहती है। हरक सिंह रावत को जो सीबीआई है और ईडी है उनके पीछे इसलिए लगी है, उन्हें 2022 में भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया था, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर कयास लगाया जा रहा है क्योंकि ईडी ने 4 अप्रैल को उन्हें बुलाया था, लेकिन ईडी ने उन्हें मना कर, जब ईडी से पूछा गया कि 4 अप्रैल को वो आए थे कि नहीं आए थे, उनका कहना था ईडी का कि हमें ऑफिशियल वर्क के कारण उन्हें रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद ठीक ये देखा गया कि जो अनुकृति गोसाई है, जो उनकी बहू है, उनके बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे थे। उन्होंने भी 2022 में कांग्रेस ज्वाइन करी थी जब अपने ससुर के साथ, हरक सिंह रावत के साथ, लेकिन फिर एक बार फिर देखने को मिला कि अनुकृति गोसाई भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी करती है। लेकिन फिर एक बार कयास लगाए जा रहे हैं
कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और पूरा जो सियासत है ये मान रही है कि कुछ ही दिनों में जो हरक सिंह रावत होंगे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और ये 19 अप्रैल को जब मतदान हो रहे थे तो ये माना जा रहा था कि उससे पहले जो सपोर्ट है हरक सिंह रावत का वो भारतीय जनता पार्टी पे था, तो कहीं ना कहीं पूरे बैक देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पौड़ी लोकसभा सीट में काफ़ी मजबूत है, कोटद्वार और लैंसडाउन में काफ़ी कार्यकर्ता इन्होंने जुटते हैं इनके कारण। तो ऐसे में पौड़ी सीट को मजबूती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब हरक सिंह रावत को, जिस तरह से देखा कि हमने लोकसभा चुनाव से पहले की पीठ पीछे उन्हें जरूर सपोर्ट, हरक सिंह रावत को बीजेपी से डर है कि अगर बीजेपी में वो शामिल नहीं होते हैं तो ईडी उनके पीछे पड़ी रहेगी, और अगर शामिल हो जाते हैं तो राहत मिल जाएगी। देखिए, इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि ये अगर ये केंद्रीय एजेंसी का काम है कि वो पारदर्शिता से पूरी तरह से जो पारदर्शिता से जो जांच है वो कर सके, और इसी के तहत लगातार ईडी ने इनके फरवरी माह में छापामारी करी थी, और उसके बाद लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि उन पर शिकंजा कसा जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। 16 ठिकानों पर उस वक्त पूरी जो छापेमारी है ईडी द्वारा वो की गई थी, जिसमें से कई लाखों रुपये कैश मिला था, साथ साथ ज्वेलरी भी मिली थी, और साथ साथ जो इनके परिजन है, जिस चाहे वो अनुकृति गोसाई हो, लक्ष्मीकांत हो, इनके घर पे भी छापेमारी करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी। ऐसे में पूछताछ इनके परिवार से थी, ऐसे में लग रहा था कि हरक सिंह रावत जेल जा सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन एक बार फिर जब वो बैकफुट में आए, क्योंकि हरिद्वार से लगातार लोकसभा चुनाव की वो सीट के लिए कांग्रेस से सांसद के लिए चुनाव मांग रहे थे, वो टिकट मांग रहे थे प्रत्याशी के लिए हरिद्वार से, लेकिन जब ईडी का शिकंजा उन पर पड़ा तो कहीं ना कहीं वो हरिद्वार से जो उनकी मांग थी वो चुप हो गई। लेकिन जिस तरह से पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है जो बह है नेताओं में, विपक्षी नेताओं में, कि ईडी या सीबीआई जांच या फिर केंद्रीय एजेंसी उन पर जांच चला सकती है, तो ऐसे में जो उत्तराखंड के नेता है इसी डर से भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिनों में जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत अपनी घर वापसी करेंगे भारतीय जनता पार्टी। तुषार, अगर बात करें तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि कानून अपना काम करेगी, और कोई भी अगर बीजेपी में शामिल होता है तो उसके पाप नहीं धुलेंगे, अगर वो दोषी है तो। देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जितने देश भर में हम देख रहे हैं कि जितने भी नेता ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नेताओं में वो आरोप है ईडी और सीबीआई की जो जांचें चल रही हैं उन पे, और जब भारतीय जनता पार्टी में आकर उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि अगर आप पे जो ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है क्या भारतीय जनता पार्टी से कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक वॉशिंग मशीन है, वहाँ पर जो भी भ्रष्ट नेता जाते हैं या फिर कोई भी जाता है वो धुल कर सामने हो जाता है, उनके सारे जो कुक्रम होते हैं वो धुल जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस भ्रष्टाचार को तोड़ने की बात करती है, कमर तोड़ने की बात करते हैं, साथ साथ भ्रष्टाचारियों पर वार करने की बात करती है, भ्रष्टाचार देश से खत्म होने की बात करती है, तो ऐसे में जो नेता उन्होंने अब पार्टी में लिए हैं उन पर जो जांच है उसका दायरा भी बढ़ाना चाहिए, या फिर उन्हें देखना चाहिए कि किस जो नेता उनकी तरफ ज्वाइन हो रहे हैं वो किस भ्रष्टाचार के पीछे पड़े हुए हैं, या जो एजेंसियां हैं वो उनके पीछे किस तरह से पड़ी है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है जो जांच का दायरा है वो बढ़ सके, और ईडी और सीबीआई का, क्योंकि जो आरोप ईडी और सीबीआई पे लग रहे हैं वो भी हट सके, साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी में आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर विपक्ष के नेताओं को डरा रही है, तो वो भी दाग हट सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो ईडी है सीबीआई है वो अपनी जाँच निष्पक्ष कर सके, ताकि जो विपक्ष है और साथ साथ जो सत्ताधारी सरकार, बिल्कुल तुषार, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं एक और जानकारी सामने आ रही चार धाम यात्रा को लेकर, चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया जो है यानी एसओपी जारी की गई, बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं और श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश को आसानी से समझा जा सके इसके लिए हिंदी अंग्रेजी के अलावा 9 स्थानीय भाषाओं में एसओपी तैयार की गई है। यात्रा मार्गों पर 50 स्थानों पर तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी, इसके अलावा मेडिकल रिलीफ पॉइंट पर स्वास्थ्य मित्र तैयार किए जाएंगे। बता दें कि 10 मई को गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, और चार धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी जारी कर दी है, राज्य सरकार यात्रा को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए हर संभव प्रयासरत कर रही है।
मीडिया और पर्यटन विभाग के माध्यम से किए गए पंजीकरण में स्वास्थ्य पैरामीटर का कॉलम रखा गया है, जिसमें यात्री अपने स्वास्थ्य से संबंधित पूरी जानकारी भरेंगे तो उन्हें जरूरत के समय इलाज में आसानी होगी। देखिए, जिस तरह स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल 11 लैंग्वेजेस में 11 भाषाओं में SOP जारी किया था, इस बार भी हम लोगों ने उन्हीं भाषाओं पे जारी किया है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि SOP जारी करने के साथ साथ हमने सभी स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरीज को भी लिखा है और उन्हीं के रीजनल लैंग्वेजेस में हमने ये SOP संलग्न करके उनको भेजा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि SOPs क्या हैं और किन चीज़ों की सावधानियां एक यात्री को बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो टूरिज्म विभाग का जो वेबसाइट है जो लाइव हो गया है, उसके साथ साथ हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स भी हमने उसमें मेंशन किए हैं टूरिज्म के वेबसाइट में। देखिए, जिस तरह स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल और तुषार गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए। तुषार, चारधाम यात्रा को लेकर जो है पूरी तरह से प्रशासन के तौर पर तैयारियां की जा रही है, उनकी ओर से SOP जारी किए गए हैं, 11 भाषाओं में स्वास्थ्य विभाग ने इसे जारी किया है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से चारधाम यात्रा हमारा बैकबोन कहा गया है उत्तराखंड की, और टूरिज्म के तहत ही चारधाम को हर साल जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो चाहे वो व्यवस्थाओं को लेकर हो। और इसी के तहत जो स्वास्थ्य विभाग है उसने अपनी SOP जारी कर दी है, और इसके तहत जो लोग यहाँ पर उत्तराखंड आएंगे, जो चारधाम यात्रा आएंगे, उनके लिए जो सलाह है और जो जानकारी है वो इसमें दी गई है। करीब 50 स्क्रीनिंग स्टेशंस लगाए गए हैं, जिस तरह से पिछले वर्ष जो हेल्थ ATM लगाए गए थे वो भी देखने को मिलेंगे, कि इस तरह से जो लोग हैं जो शुगर्स और साथ साथ जो छोटी बीमारियां हैं उनकी जो टेस्ट है वो वहां पर कर सकते हैं। साथ साथ जो लोग यहां पर आएंगे उनको भी हिदायत दी गई है, कृपया अपनी जो दवाइयां हैं वो साथ में लेके चले, क्योंकि जो सफ़र है, क्योंकि कुछ लोग इसे समझते हैं कि काफ़ी टफ नहीं रहता, क्योंकि हेलीकॉप्टर से सफ़र करते हैं एक ही दिन में उत्तराखंड देहरादून से लेकर जो गुप्तकाशी है, अगर मैं केदारनाथ की बात करूँ तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो ऐसे में हाइट का डिफरेंस होता है, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ जाके जो तकलीफें हैं वो अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि केदारनाथ करीब 20,000 से अधिक फुट के हाइट पे है, और ऐसे में जब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, दर्शन करने पहुँचते हैं, तो वहाँ पर अत्यधिक देखा जाता है जो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है, तो ऐसे में जो मामले हैं अस्थमा के उस वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और साथ साथ कई मौतें हार्ट अटैक से हो जाती हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ भी बहुत ज़रूरत होती है, लोगों को हिदायत दी जाती है। और जिस तरह से 11 भाषाओं में इस बार SOP जारी हुई है, ये इसलिए जारी हुई है कि ताकि जो लोग हैं जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जो मुंबई, जो अन्य प्रदेशों से आ रहे हो, चाहे वो केरला से हो, साउथ के क्षेत्र से अत्यधिक लोग आते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उनकी स्थानीय भाषा में उन्हें SOP दी जाए, ताकि वो जब यहाँ पर आए तो उनके पास पर्याप्त तैयारियाँ हो सके। और साथ साथ लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अपनी तैयारियों पूरी कर चुका है, कई तैयारियाँ की जा रही है, जिस तरह से कैंप लगाए जा रहे हैं, साथ साथ स्वास्थ्य मित्र भी बनाए जा रहे हैं जो उनसे सीधा जुड़ेंगे, अगर किसी की तबीयत खराब या फिर थोड़ी नाजुक होती है तो उसमें स्वास्थ्य मित्र आपकी सहायता करेंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो टेली मेडिसिन की भी जो सुविधा है वो की जाएगी, आप टेलीफोन के माध्यम से डॉक्टर से बात कर सकते हैं, 24 घंटे आपके लिए जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो आपके लिए उपलब्ध होंगे। तो स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो तैयारियाँ हैं वो तेजी से होती हुई नज़र आ रही है, कोशिश ये रहेगी कि सब स्वस्थ होकर जो चारों धाम है वहाँ से दर्शन करके वापस कर जा सके। जी बिल्कुल तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर चल रहा कुहासा अब छंटने लगा है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार के महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि निकाय चुनाव तय समय पर होंगे। सरकार की तरफ से बोलते हुए महाधिवक्ता ने कहा कि अब निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा और इसलिए चुनाव को लेकर अब BJP भी उत्साहित दिख रही है। BJP के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी में सभी कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और अब भी चुनाव के लिए तैयार है। BJP तो हमेशा तैयार रहती है, BJP कोई AC में बैठकर स्टेटमेंट जारी करने वाली पार्टी नहीं है। BJP के कार्यकर्ता, BJP के नेता, BJP के प्रतिनिधि सब 365 दिन 24/7 सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं।
और बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का चुनाव अगर बात करें तो हो चुका है, और ऐसे में अब उत्तराखंड से पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी देश के दूसरे राज्यों का रुख करने जा रहे हैं, जहां दूसरे चरणों में मतदान होना है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि अभी शुरुआत में राज्य से 100 पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिमाचल जा रहे हैं, भेजा जा रहा है, और मुझे लगता है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में प्रथम चरण के चुनाव हो चुके हैं और वहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार एवं चुनाव प्रबंधक दृष्टि से भेजा जाता है, और हमारे उत्तराखंड राज्य से लगभग 100 लोगों की एक टीम हिमाचल सहित अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार एवं चुनाव प्रबंधक दृष्टि से भेजा जा रहा है, और मुझे लगता है हिमाचल के लिए शीघ्र ही जो कार्यकर्ताओं की वो जवानें होने वाली है। और खबर देहरादून से, जहां गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में लू लगने का खतरा भी बढ़ने लगा है, खासकर मैदानी क्षेत्रों में दोपहर के वक्त भीषण गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। दून अस्पताल के CMS अनुराग अग्रवाल के अनुसार लू के चलते अक्सर लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए अपने शरीर को सही मात्रा में पानी जरूर दें। ऐसे में उनकी दो जगहों की, हाँ देखिए बिल्कुल लू चलती हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि हम पहाड़ी राज्य में बैठे हैं तो यहाँ पर उतना टेम्परेचर बहुत कम जा पाता है, लेकिन हाँ फिर भी ऐसे में सभी का बचाव चुकी वही है कि हम पानी की मात्रा बनाए रखें, सिर को ढककर रखें, और कई बार लोग मान के चलते हैं कि खुली बाजू कपड़े पहनने से ज़्यादा कम गर्मी लगेगी, लेकिन इस तरह का भी सोचना, चूँकि धूप डायरेक्ट पड़ती है बॉडी पर तो थोड़े ढके हुए कपड़े पहनना हमेशा ठीक रहता है। छतरी का उपयोग किया जा सकता है, बीच बीच में थोड़ा रेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं भी आपको लगता है कि पसीना बहुत आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तो ज़रूर से डॉक्टर को मिल लें, क्योंकि हीट वेव अगर आई, जिसे लू बोलते हैं, वो आई और लगती है तो ऐसे में अस्पताल में दिखाना और उचित उपचार लेना ही ठीक रहता है। और वहीं नई टिहरी नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा कूड़ा रिसाइकलिंग करने वाली चमल मशीन की खरीद फरोख्त में की गई गड़बड़ झाले का मामला उजागर हुआ। नई टिहरी नगर पालिका के द्वारा मोखरी में कूड़ा रिसाइकलिंग करने के लिए अक्टूबर 2021 में 55 लाख रुपए की चमल मशीन खरीदी गई, जो 5 सेकंड भी नहीं चली, जिसके बाद नगर पालिका नई टिहरी के कर्मचारियों के मिली भगत होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं आश्चर्य की बात यह भी है कि चमल मशीन खरीदने वाले उत्तरांचल ट्रेडर्स घोड़ा पड़ाव बरेली रोड हल्द्वानी ने बिना मशीन को चेक किए खरीद ली। नगर पालिका नई टिहरी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से आज तक 55 लाख की चमल मशीन खरीदने वाली कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मोकरी यहाँ भी कचरे में जो प्लास्टिक वगैरह निकलती है वो कचरा हमें निकालते हैं, बस जी जो है कुछ दामों में नीचे जल चले जाती है गाड़ी, और हमें तो यहाँ दिक्कत हो रही है। दिक्कत यह है पानी की समस्या ज़्यादा है, पहली बात तो यह है, और जो कमरे बने हुए हैं वो भी जो है कचरा पड़ा हुआ कमरे के मुड़ गया गेट के आगे, और फिर भी जो उसी हिसाब से पानी की समस्या ज़्यादा है, बस ऐसा तो काफ़ी टाइम हो गया, साल भर तो घूम ही गया। अच्छा अच्छा, बस जी ये जानकारी नहीं देखो वैसे से। अच्छा अच्छा, जो है जब से लगी है जब से भी इसमें कूड़ा नहीं सना गया। और बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में 10 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 10 मई को गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ धाम की और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोली जाएंगी। चार धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जगह जगह पुलिस हेल्प डेस्क और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। IG गढ़वाल के S नगन्याल ने कहा कि यात्रियों को हर संभव सुविधा और सहायता देने का पुलिस प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है। जैसे मित्र पुलिस का संघ का आशय यह है कि जो यात्री है, तीर्थ यात्री है, पर्यटक है, जो भी यहाँ आप हैं, उनसे
मित्र भाव से व्यवहार किया जाए। यदि उनको कहीं कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे पर्यटक पुलिस है, वो उनको बताएंगे कि कहाँ कहाँ विजिट करना है। वैसे तो आजकल साइट में सब उपलब्ध है, लेकिन हमारे पर्यटन पुलिस को भी इस संबंध में ट्रेंड किया गया है, और ताकि वो जो पर्यटक आता है यदि कुछ पूछताछ करता है, कोई जानकारी हासिल करना चाहता है, तो उसके बारे में वो लोग भी जाए। और कर लेते अगली खबर की ओर। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कुआंहेड़ी में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचकर एसएसपी ने मौके का मुआयना किया और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि खेत में पानी देने को लेकर आपसी विवाद हुआ था और इसको लेकर गोली चल गई। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जाँच में जुटी हुई है। और खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी। पहले चरण में हुए चुनाव के बाद सत्ता दल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 65 साल कांग्रेस पार्टी निराश किया, जनता को इस लायक बनाया कि वो अपनी मंगेतर या धर्मपत्नी के लिए मंगलसूत्र बना सके। कांग्रेस राज में सोने की कीमत कम थी, जबकि 10 साल में सोने कीमत 78,000 रुपए तोला पहुंच गई, जिसमें मंगलसूत्र तो दूर, सोने की अंगूठी बनवाना भी मुश्किल हो रहा है। जबकि पहले चरण का चुनाव पूरा हो गया है और दूसरे चरण का परसों मतदान होना है, ऐसे में केंद्र में सत्ताधारी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, वो बयान निश्चित रूप में लगता है कि वो तो विचलित है ही, लेकिन वो भारत को भी विचलित करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंगलसूत्र पर बात कही है, मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज गांव में तमाम जगहों पर शादियाँ हो रही हैं, लेकिन हमारा आम जो यहाँ का नागरिक है वो इस लायक नहीं रह गया है कि वो 75-80 हज़ार रुपये तोले का सोना खरीद सके। आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कांग्रेस इस देश में 65 साल कांग्रेस ने राज किया और 65 साल में सोना 30 हज़ार से ऊपर नहीं गया, 29 हज़ार से ऊपर नहीं गया, और उन आपके 10 साल के कार्यकाल में सोना 76,000-78,000 पहुंच गया। तो प्रधानमंत्री जी, आपसे जनता जानना चाहती है कि सोना जो मंगलसूत्र पर नज़र आपकी थी या कांग्रेस की थी? जबकि और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।